नमस्कार दोस्तों, प्रेप इंडिया में आपका स्वागत है। आज जो वैकेंसी हम आपके लिए लेकर आए हैं वो आई है सशस्त्र सीमा बल यानी SSP की तरफ से, और इसमें जो वैकेंसीज है ये है कांस्टेबल्स की पोस्ट। तो करीब 1500 से ऊपर वैकेंसीज इसमें हैं, और ये देखिए वैकेंसी सर्कुलर। सो इस पोस्ट के लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, और जो सिटीजन्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं वो इंडिया, नेपाल या भूटान के लोग कर सकते हैं इसमें। और इसमें जो पोस्ट रहेगी ये सशस्त्र सीमा बल के लिए रहेगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, और ये लेवल 3 की पोस्ट रहेगी। पे मैट्रिक्स इसका देखिए 21,700 से लेकर 69,100 का है एज़ पर 7 CPC, और इसके अलावा आपको अदर अलाउंसेस भी मिलेंगे। पोस्ट अभी फ़िलहाल टेम्परेरी है, लेकिन ये आगे कंटिन्यू होगी। सेलेक्टेड कैंडिडेट्स जो होंगे उनको कहीं पर भी ऑल ओवर इंडिया में सर्व करने के लिए ट्रांसफ़र किया जा सकता है, या फिर इंडिया के बाहर भी कर सकते हैं, और वो जो SSB एक्ट एंड रूल्स रहेंगे उससे उनको गवर्न किया जाएगा। तो नंबर ऑफ पोस्ट देखिए यहाँ पर 16 टाइप की पोस्ट है यहाँ पर, और फॉर एग्जांपल देखते हैं कांस्टेबल ड्राइवर फॉर मेल ओनली, इसमें 574 सबसे ज़्यादा वैकेंसीज हैं, और ब्रेकअप आप देख सकते हैं पोस्ट का जो यहाँ पर दिया गया है अनरिजर्व EWS OBC ST एंड SC के लिए। इस तरह से कांस्टेबल लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए 21 पोस्ट है, कांस्टेबल वेटरनरी के लिए 161 पोस्ट है, कांस्टेबल आया फीमेल ओनली में 5 पोस्ट है, कांस्टेबल कारपेंटर में 3 है, प्लम्बर में 1 है, पेंटर में 12 है, टेलर में 20 है, कॉबलर में 20 है, गार्डनर में 9 है, कांस्टेबल कुक मेल में 232 है, फीमेल में 26 है, कांस्टेबल वॉशरमैन में मेल में 92 है, फीमेल में 28 है, कांस्टेबल बारबर में मेल में 75 है, फीमेल में 12 है। तो सर से आप वेरियस वैकेंसीज यहाँ पे देख सकते हैं, और उनका ब्रेकअप आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें से 10% वैकेंसीज रिजर्व रहेगी एक्स सर्विसमैन इन ऑल रैंक्स। सो आइए देखिए एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या क्या है इसके लिए, जिसमें एज एंड एसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है। तो एक दो पोस्ट के लिए मैं यहाँ पर पढ़ देता हूँ क्योंकि काफ़ी लंबी लिस्ट है इसमें। तो पहली पोस्ट देखिए कांस्टेबल ड्राइवर ओनली फॉर मेल के लिए एज लिमिट 21 to 27 है। क्वालिफिकेशन इसमें मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, मस्ट पजेस वैलिड हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस। सो मैट्रिकुलेशन के या उसके कोई बराबरी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, और हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस उनके पास होना चाहिए। दूसरी जो है कांस्टेबल लेबोरेटरी असिस्टेंट 18 to 25 इसकी एज लिमिट है, सेम मैट्रिकुलेशन लेकिन साइंस के साथ होना चाहिए, और उनके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए लेबोरेटरी असिस्टेंट कोर्स फ्रॉम इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। तीसरी है वेटरनरी 18 to 25 ईयर्स, 10th और मैट्रिकुलेशन विद साइंस एज मेन सब्जेक्ट, और डिजायरेबल एक्सपीरियंस में 1 ईयर का होना चाहिए इन ट्रीटमेंट ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑफ एनिमल्स इन रिकॉग्नाइज्ड वेटरनरी हॉस्पिटल। आया फीमेल के लिए देखिए 18 to 25, मैट्रिकुलेशन विद साइंस चाहिए, फर्स्ट एड एग्जामिनेशन पास उनके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए फ्रॉम रेड क्रॉस, और शुड बी ट्रेंड दाई, 1 ईयर एक्सपीरियंस इन रेलिवेंट फील्ड। सो इस तरह से आप कारपेंटर एंड प्लम्बर एंड पेंटर का देख सकते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं वीडियो को थोड़ा स्लो कर देता हूँ यहाँ पे, आप इसको पॉज करके भी देख सकते हैं। कुक्स, वॉशरमैन, बारबर, सफाई वाला, वाटर कैरियर, वेटर, टेलर, गार्डनर एंड कॉबलर के लिए ये पूरा यहाँ पर सेम क्वालिफिकेशन है। एज 18 to 23 ईयर्स, मैट्रिकुलेशन 2 ईयर्स वर्क एक्सपीरियंस, 1 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स, और या फिर उसके अलावा यहाँ पे और है देखिए 2 ईयर्स डिप्लोमा और मस्ट क्वालिफाइड ट्रेड टेस्ट। नोट में मल्टी स्किल्ड कैंडिडेट्स विल बी गिवन प्रेफरेंस। तो जिस कैंडिडेट के पास कुछ मल्टी स्किल है, यानी एक काम के अलावा वो 2-3 काम और कर सकते हैं, तो जिनके पास मल्टीपल स्किल है उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। सो लास्ट डेट ऑफ रिसीट ऑफ एप्लीकेशंस, तो क्लोजिंग डेट जो होगी ये 30 डेज रहेगी फ्रॉम डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट न्यूज़। सो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में जो डेट को ये पब्लिश किया गया है उससे अगले 30 दिन तक आप इसको भेज सकते हैं। लास्ट डेट उसकी वही 30वां दिन रहेगी, और जो रिमोट एरियाज में है, जो यहाँ पर दिए गए हैं रिमोट एरियाज, उनमें 37 डेज रहेगा जिस डेट को ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में पब्लिश किया गया है। तो इसके बारे में जो लास्ट डेट है इसकी पब्लिकेशन का आप देखिए, तो ये 28/7 को ये लेटर साइन किया गया था, बट एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में नहीं मिला है ये,
तो शायद ये आने वाला होगा या आ चुका हो, तो मुझे मालूम है, इसके बारे में आप ज़रा चेक कर लीजिएगा। अगर 28/7 को भी होता है तो भी आपके पास इसमें 15 दिन, करीब 15 दिन है इसको अप्लाई करने के लिए, लेकिन आप इसको अच्छी तरह से इसकी डेट चेक कर लीजिएगा, लास्ट डेट क्या रहेगी। और वेबसाइट पे भी इसका नोटिफिकेशन हमें नहीं मिला, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। चौथी जो है फ़ी पेबल एंड मोड ऑफ पेमेंट, तो 100 रुपीज़ पे करनी है अनरिजर्व VWS OBC कैटेगरी के लिए, और ये आपको ऑनलाइन पे करना है, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, चालान, लेकिन SC ST एक्स सर्विसमैन एंड फीमेल के लिए कोई फ़ीस नहीं, उनको एग्जेम किया गया है। हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करना है, तो ओनली ऑनलाइन ही आपको अप्लाई करना है, और किसी और माध्यम से अप्लाई करते हैं तो वो एक्सेप्ट नहीं की जाएगी और रिजेक्ट कर दी जाएगी। और जो इंटरेस्टेड एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं वो डिटेल एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड कर लीजिए SSB रिक्रूटमेंट वेबसाइट से, जो कि है www.ssbrect.gov.in, एंड मे अप्लाई ऑनलाइन थ्रू सेम वेबसाइट आफ्टर गोइंग थ्रू ऑल प्रोविजंस कंटेंड इन द डिटेल एडवर्टाइजमेंट। सो उसका डिटेल एडवर्टाइजमेंट चेक करना बाकी है हमें, सेम डेट 28/7/2020 को साइन किया गया है। सो ये तो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन हो गया है, और अगर हम इसकी वेबसाइट पर जाते हैं जो कि ये है SSBRECT.gov.in, तो यहाँ पे देखिए आप जो 3 ऐड दिए गए हैं ये असिस्टेंट कमांडेंट के लिए है, SIGDDE के लिए है, और यहाँ पे असिस्टेंट कमांडेंट के लिए है। एडवर्टाइजमेंट में हम जाते हैं तो देखिए यहाँ पे भी इंस्पेक्टर रेटी सेफ्टी, पोस्ट ऑफ इंस्पेक्टर के लिए है यहाँ पे, और ये कमांडेंट के लिए है। तो ये पोस्ट का अभी इसमें वेबसाइट पर नहीं दिख रहा है, ना कि इसके ऑनलाइन, अगर हमें अप्लाई करना है तो वो भी उसको दिखना चाहिए कहाँ ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, तो शायद इसका भी नोटिफिकेशन पब्लिश होना वेबसाइट में बाकी है। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से नोटिफिकेशन में इतना ही, ऐसी और भी रिक्रूटमेंट न्यूज़ के लिए आप हमारे चैनल पर पिंड जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। और आपसे रिक्वेस्ट करेंगे इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी इस वैकेंसी के बारे में मालूम पड़े और वो भी इसमें अप्लाई कर सके। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।